थोड़ा पीछे हो ना शंकर, पीछे हो ना सलीम सर, थोड़ा कैमरा पीछे। हाँ तो इनको बोलो ना, जाओ यार। भाई पीछे आ जाओ, स्टील ला रहा है। मेहनत की हमने और पीछा, और बोलो बस। शंकर दादा पीछे बैठ के लो, बैठ बैठ के लो। अरे यार पीछे चले सर, थोड़ा पीछे ही सर। सुरेश रेडी सर, केक काटते हैं उनका। Happy birthday, dear Salman Vikramji. Happy birthday to you. Right, if I can request all the fans to please be seated. We have a special photo op with Samuji Saab. If you can please. कौन सी लाइट चालू करती है और बहुत ही ज़्यादा हेलो भाई, अरे शंकर भाई Thank you.
थैंक यू सो मच। रुको यहाँ पे, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे दोस्त बात करे सारे, मेरे दोस्त बात करे सारे। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने देखा पूरा करके, मैं कंटिन्यू देखी है, बहुत खुशी का। अपने काम के लेकर इतना डेडिकेट होना चाहिए, और इवन सबको बताना भी ये जरूरी रहता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बाई चांस की बात है, हाँ डॉक्यूमेंट हो गया था वो, अदरवाइज मेरे पास कोई प्रूफ था नहीं इसका कि क्या हुआ है। लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान सोचता नहीं है, और फिर लगता है कि अरे वाह, बाई चांस की बात है कि हम एक टर्बुलेंट टाइम से गुजरे भी, और उसके बाद सब अच्छा भी हो गया और ये सब डॉक्यूमेंट हो गया, तो इसलिए ये एक यादगार चीज़ बन के आई है। आई एम सो ग्लैड आप लोग भी यहाँ पर आए, और मेरे इतने प्यारे फ्रेटर्निटी के लोग सब यहाँ पर आए। कितना डरावना था सुनो, क्योंकि आवाज़ और एक सिंगर के लिए तो मेरे इमेजिन में नहीं कर पाई। मेरा ना एक्चुअली हम लोग क्योंकि इस प्रोफेशन में लगातार रहते, तो ऐसे डरावने मंजर कई बार आते हैं, और अगर वो शो ऐसा तो कोई छोटा बड़ा शो नहीं होता, लेकिन बड़ा शो होता भी है, क्योंकि जहाँ लोग टिकट्स दे के आ रहे होते हैं, और मुझे पता है कि मैं हज़ारों लोगों को मुझे एंटरटेन करना है और लगातार गाना है, और मैं लिपसिंग नहीं करता हूँ, हम लोग सिंसियरली स्टेज पर गाना पेश करते हैं। ऐसे कई बार हुआ है गला ख़राब होना है, पर हमेशा आसपास के लोगों को पता होता है कि हम क्या गुजर रहे हैं, दुनिया को पता नहीं होता। इस बार पहली बार शायद दुनिया को मालूम पड़ेगा या पड़ रहा है कि जब एक सिंगर का गला ख़राब होता है तो उसके सर पे कैसे पहाड़ गिर जाता है। मैंने ये भी सुना कि आप भगवान के सामने समर्पित होने वाली बात कर रहे हैं। मैं देखिए, भगवान तो एक नाम है, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई गॉड बोलता है, कोई हम यूनिवर्स कॉस्मोस या जिसने भी आपके और मुझे बनाया है, जो शक्ति है वो उसको आगे मैं समर्पण करता ही हूँ। मैं करता हूँ भाई, मैं सोचता हूँ कि एक लिमिट के बाद हमें नहीं पता, तो इसलिए उस बात का ही सरेंडर है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें सब मालूम है, हमें सब पता चल गया है। तो जब एक पॉइंट पे आप इसके आगे आपको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है या ये क्यों हुआ, तो नतमस्तक, तो मैं सरेंडर को बहुत, मैं बहुत इसको बिलीव करता हूँ सरेंडर। काफ़ी डाइवर्स जिंदगी मेरी हुई है, मैं वन ट्रैक माइंड नहीं हूँ, मतलब मैं क्रॉनिक सिंगर नहीं हूँ। मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं खेलता था काफ़ी अच्छा, अभी आई एम प्रिटी गुड निम्बल विद माई फीट, मतलब मैं एक्टिव आदमी हूँ। तो ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो ज़िंदगी में मेरी अच्छी कलरफुल ज़िंदगी रही है, हर तरह के इमोशंस को मैंने जिया है और उसका अनुभव किया है। ऐसे कई चीज़ें हैं, दुख की चीज़ों में मेरी मम्मी का जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। सुख की चीज़ों में मेरे बेटे का पैदा होना, वो उसका पैदा होना देखना, उसको बड़ा करना। और सुख की चीज़ें हैं, लता मंगेशकर जी मुझे बर्थडे में विश कर रही हैं, वो सुख की चीज़ें हैं। बहुत आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ, एंड ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं याद करता हूँ। हाँ, मुझे इनफैक्ट अरिजीत ने अभी मैसेज किया था कुछ दिन पहले, द ओरिजिनल AI, उससे मुझे भेजा था, क्योंकि कुछ मैं उसने क्या मेरा भेजा था, हाँ अब उस ट्राइंग मैं सुरेश वाडकर जी की नकल उतारा था, तो उसका मुझे मैसेज आया AI सबसे कोई डेंजरस AI जो बोला था। अब अभी AI भी तो वो सुरेश भोसले जी जो भी गए, सुरेश जी भी बहुत भयंकर AI हैं वो भी, तो ये वो एक्टर्स के उसमें AI हैं, तो ये तो एक गिफ्ट ही है मेरे ख्याल से। और क्योंकि हम उस गिफ्ट के साथ में लोगों को रीड करता हूँ, मैं मेरा पास टाइम है लोगों को पढ़ना,
कोई कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कितना बोलता है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, आई एनालाइज पीपल, तो ऐसे में फिर इम्पर्सनेशन अच्छी हो जाती है। नहीं, ऐसा डेंजरस तो हर चीज़ होती है। आग डेंजरस है पर आग से खाना भी बनता है। इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है पर इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलती है। आप सब हम सब काम कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो एआई के फ़ायदे भी हैं और अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जाएगा, जा रहा है, तो अच्छा ही होगा। सुनो, हम जब भी बात करते हैं फिल्मों में गाना, बहुत अच्छे गाना सिंगर्स के लिए, बहुत अच्छी फिल्में और आपके नाम से जानी जाना, उस पर नेशनल इंटरनेशनल शोज करना, अब कुछ बचा है अचीव करने के लिए? देखिए, हर रोज़ कुछ नया होता है। आई डेंट एक्सपेक्ट कि मेरा बर्थडे आज आप लोग इतना अच्छी तरह मनाएंगे मेरे साथ में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दुनिया में होता ही रहता है। मैनिफेस्ट अच्छा करते रहना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ एक कमाल की चीज़ हुई है। अभी सलीम है यहाँ पे, आप सुन लेना, बस मैं बता रहा हूँ इनकी बात, सच बात है, कल रात की बात है। तो मैं अभी हांगकांग में था और मैं सिर्फ जहाँ भी जा रहा था दुकान में, वहाँ सिर्फ बैग ढूंढूँ, मुझे एक तो मेरा बैग आता, देखो कि मैं काला बैग लेकर घूमता हूँ, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे आजकल। तो आपको बता रहा हूँ कैसे होता है लाइफ में, तो मेरे फ़ोन नहीं आते उसमें, दो फ़ोन है मेरे पास में, फिर रियाज का भी फ़ोन है, कभी पासपोर्ट होता तो नहीं आता, तो मैं तब से जा रहा था दुकान में बैग, मुझे कोई बैग नहीं मिल रहा था। तो मैंने सच्ची में बोला कि कॉस्मोस एक मेरे लाइक एक करेक्ट बैग मुझे दे दे बस, जो मैं लगा कर चलूँ, और उसमें मेरे फ़ोन भी आ जाएंगे 2-3, जो रियाज वाला भी है, और पासपोर्ट भी आ जाएगा, और कभी अगर वॉलेट में कुछ मेरा क्रेडिट कार्ड कुछ आ जाएगा। मैं सोचा, और मुझे नहीं मिला। 12 बजे कल रात को केक काटने के लिए निवान रेडी था और अचानक सलीम मर्चेंट जी की एंट्री होती है, एंड गेस व्हाट ही गिव्स मी, अ बैग। और अब से अगले कई सालों तक आप मुझे वही बैग पहने हुए देखेंगे। तो ये मैं कहता हूँ, दुनिया बड़ी हसीन है, अच्छी अच्छी चीज़ें मांगिए कि देना। तो सलीम मर्चेंट आ जाएंगे और आपको कुछ गिफ्ट कर देंगे। पहले तो एक बहुत ही एक अच्छा एक दोस्त, एक भाई और एक सच तो है ही बाकमाल, बट बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे हैं और हम सब ने देखे हैं, बट एक कमाल का इंसान जो अपनी खुशियाँ, अपनी कला, सब कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपनी दुनिया के साथ जो बांट सकता है, वो एक ही है उसमें मैंने कहा। थैंक यू, तेरी दुनिया। मैंने इसलिए बताया कि ही गेव मी सरप्राइज लास्ट नाइट, और उन्होंने मुझे आके एक वो जो बैग जो दिया है, इनको पता नहीं कि मैं उसको बैग को लेकर रात को सोया हूँ। मैं इनको नीचे छोड़ने के लिए आया तो मैं तभी बैग लेकर आया, मैं बोला हम मुझे ये बैग छोड़ना ही नहीं है। सो एनी वे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, आ जाओ, हम दोनों साथ में करते हैं। अरे 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 अरे, इतना अच्छा गाना तो आज के लिए, आज के लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ। सो सोनू जी की अच्छाई के बारे में सबने बात की है, लेकिन मेरे बच्चे अमल और अरमान, इन दोनों के कैरियर में जो इनका योगदान है, ये किसी को पता ही नहीं, और ना ही इन्होंने कभी किसी को बोला होगा या बताया होगा। लेकिन राइट गाइडेंस, सही लोगों को मिलना और सही ट्रेनिंग लेना सब कुछ के लिए, ही वॉज वन पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर अस। I really thank him for that. Yes, and Salim Bachchan. Yeah, both of them are here. Of course. But this I wanted to tell Salim also, ke aisa hua hai with Sonu. Matlab we have walked into his house and he has said, this is what you need to do, and I'm there to help you. And so both the boys are thankful to him and to Salim sir. Thank you so much. Thank you so much. We are all blessed to share this moment with the legend. I always call him, जैसे हमारे wonders हैं world के, हमारी music industry का अगर कोई wonder है, the first and only wonder, it's Sonu Nigam. डॉक्यूमेंट्री जो आज हमने देखी है, इसने मुझे एक बात याद दिलाई जो जहन में कहीं थी, मगर इमीडिएट प्रॉब्लम इतने होते हैं कि आदमी कभी कभी भूल जाता है कोई बात।
ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक तरह की हजारों डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। बहुत सारी सोनू निगम पे, बहुत सारी जो दूसरे टैलेंटेड सिंगर हैं, कंपोजर हैं, राइटर हैं, आज हमें नहीं मालूम कि एस जे बर्मन किशोर कुमार को या रफ़ी को या आशा भोसले को या लता मंगेशकर को कैसे गाना सिखाते थे, इसलिए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा। आज हमें ये नहीं मालूम कि 12-13 म्यूजिशियंस लेके ओपी नैयर किस तरह उनको ऑर्गेनाइज और अरेंज करते थे। इससे उन्होंने कभी 15 म्यूजिशियन ही नहीं लिए अपनी लाइफ में। तो कितनी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, कितनी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं। साहिर और शैलेंद्र गाना कैसे लिखते थे, क्या करते थे, क्यों इस शब्द पे इंसिस्ट करते कि ये यूँ ही रहेगा, क्या वजह थी अपना गाना वो एक्सप्लेन जब करते थे, बताते थे सॉन्ग म्यूजिक डायरेक्टर को या डायरेक्टर को कि मैंने ये वर्ड क्यों चूज किए, बताते थे, मैं जानता हूँ उनके बारे में। नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का रस्म ही नहीं। आज हमें कितनी बातें मालूम हुई सोनू निगम, जिसे हम मतलब मैं इनसे भी पहले से जानता हूँ, हमें नहीं पता थी, इस डॉक्यूमेंट्री ने हमें बताया। तो ऐसी मतलब मैं तो आप तो 7 या 8 साल के थे भाई, बेताब में कितने बड़े थे, 7 साल के थे, मैं कोई 8-9 का रहूँगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, हमें इस डॉक्यूमेंट्री से सीखना होगा। और ये काम कीजिए तो आप तो जाते रहते हैं अलग अलग ग्रुप पे, इसका डॉक्यूमेंटेशन कॉन्स्टेंट कीजिए, ये बहुत कीमती चीज है। इसलिए कि रोज रोज सोनू निगम नहीं होते हैं। देखिए कुछ कभी कभी लोग समझते हैं कि अमिताभ बच्चन को एक्टिंग आती है, सोनू निगम का गला अच्छा है तो इसे बन गए, ये इतना काफ़ी नहीं है इतना बनने के लिए, उसके लिए और बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं। वो सब जब एक जगह इत्तेफाक से वो सातों सितारे एक जगह एक घर में ये जो होते हैं तो ये सब आते ना, सिर्फ घर होते हैं, पता नहीं मुझे तो मालूम नहीं सितारों के घर का, लेकिन मैंने ऐसा सुना है वो एक घर में आ जाते हैं। तो ये जब बहुत सारी खूबियाँ, ह्यूमिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन, डिजायर टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हिमसेल्फ, अ सिंगर ऑफ हिज कैलिबर, मैं जानता हूँ ये होटल रूम में इनके पास एक को लगा हुआ डोइंग डोइंग एक तारा बजता रहता है, एंड ही कीप्स रियाज इवन टुडे। तो कॉन्स्टेंट डिजायर टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ऑब्जेक्टिविटी अबाउट योर वर्क के क्या कमी रह गई है, डिजायर टू बी परफेक्ट, परफेक्शन इज अ मिराज बट वी कीप ऑन परसुइंग इट एंड वी बिकम बेटर एंड बेटर, वी नेवर रीच परफेक्शन, नोबडी कैन। मगर ये इसलिए कि परफेक्शन हमसे हमेशा आगे रहेगा, हमारा कॉन्सेप्ट जो परफेक्शन का, अगर हम ये सोचें कि हमारा कॉन्सेप्ट परफेक्शन का ये है कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ परफेक्शन, तो फिर हम परफेक्ट हैं। तो परफेक्शन का परसुइंग जो है परफेक्शन, तो और ये मैं देखता हूँ। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन यार एक यंग डैशिंग आदमी जो खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है, उसे गुरुजी कह के यार क्या कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी कहना तो उसका एब्रिवेशन बना लो ना, जीजे कुछ करो, मगर गुरुजी बच पाओ, हमारा सोनू निगम गुरुजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम दोनों पापा और मैं दोनों हम लोग ने काफ़ी साथ में वक्त बिताया है, और म्यूज़िक को लेकर या जो भी जरूरत की, वी रियली हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर। और आज इस मौके पर ये जो एक डॉक्यूमेंट्री जो हमें देखने का मौका मिला, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम ज़रूर बोलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों हम सिंगर्स हैं और इस तरह की कभी डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं है, कि हमेशा यही लगता है कि सिंगर स्टेज पर गाते हैं और गाना ही है, उनको यही करना है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसके बारे में ये जो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमने देखा, सो वी कुड रियली रिलेट विद इट एंड कनेक्ट विद इट। साथ साथ ऑफ कोर्स सोनू निगम जो एक मिसाल है ऑफ हार्ड वर्क, ऑफ फोकस, ऑफ कॉन्स्टेंटली यू नो गिविंग हिज बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स हम मैं तो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा ही हूँ, लेकिन ही इज ऑलवेज इंस्पिरेशनल टू मी। एंड हैप्पी बर्थडे सोनू, ऑलवेज ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सॉलिड। Yeah, wishing Sonu ji a very happy birthday, and to all his fans must be really happy today. Aaj
यहाँ हैं सब लोग, हम भी फैंस हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ब्रदर्स हैं, एंड एग्जैक्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो दिखाया उन्होंने डॉक्यूमेंट करके और खूबसूरत से किया, जिस पूरा टीम को भी ऑल द बेस्ट, द इमोशंस आर ट्रू एंड ऑनेस्ट, एंड ये हम जिससे बीतते लोगों को लगता है वही कि एक स्टार है स्टेज पे आके मज़े ही कर देता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है और ये अभी जो खुद कह रहे कि 50 पे तो यंग वंस हुएवर इज वाचिंग द डॉक्यूमेंट्री रियलाइज कि ये एक साल कर लिया, 10 साल कर लिया, नहीं ये टिल यू आर ऑन यू हैव टू डू इट एंड एज मच एज यू डू हार्ड वर्क यू विल बी ऑन, अदरवाइज इट इज अ प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस. सो इट्स अ ब्यूटिफुल डॉक्यूमेंट्री टू शो वट गोज बिहाइंड, यू नो हाउ मच डिसिप्लिन a rock star goes behind. He looks like a rock star but bahut discipline hota hai, that's what Sonu ji has beautifully documented. Jaise Javed sir ne kaha ki documentary aisi banni chahiye jaise Lata Mangeshkar ma'am ka baat hua, sabhi aise unique singer ki baat hui jo ki unki like page pe documentary nahi bani, unki daily routine pe documentary nahi bani ki kaise unhone survive kiya, ya bhi itne health issue honne ke baad bhi audience ko elevate karne ke liye wo kaise Can you please repeat the question? I know. Sorry, इतना लंबा था कुछ समझ ही नहीं आया. लेकिन हाँ definitely क्या हो जाता है कि कई बार हमें लगता है कि हम खुद को इतना seriously ले ना ले, लोगों को ये देखना you know मज़ा आएगा, पसंद आएगा, नहीं आएगा, इन चीज़ों में हम उलझ जाते हैं. लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है सामने तो लगता है कि नहीं ये बनना बहुत ज़रूरी था और लोगों तक ऐसी बातें पहुँचनी बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफकोर्स जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइंदा आगे ज़रूर अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लोग बनाएं और लोगों तक अपनी बात रखें तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू.